बाल उपवन का लोकार्पण। मुरादाबाद शहर के बीच बने नवनिर्मित बाल उपवन का आज कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लोकार्पण करते हुए शहर को समर्पित कर दिया। इस पार्क में बच्चों के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न तरह के झूले लगाए गए हैं। पीतल नगरी के नाम से विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखने वाले मुरादाबाद को नगर निगम ने एक बाल उपवन की सौगात दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आज मुरादाबाद नगर निगम ने शहर के बीच स्थित कंपनी बाग पार्क के नजदीक पूर्व मेयर स्वर्गीय वीना अग्रवाल के नाम से बच्चों के लिए झूला पार्क आज शहर के लोगों को समर्पित कर दिया। इस मौके पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल सहित कई जन प्रतिनिधि मौजूद थे। इस पार्क में लगी रंगीन लाइट्स पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होंगी। इसमें कई रंगीन फव्वारे भी लगाए गए। कैबिनेट मंत्री ने बोलते हुए कहा कि ये मुरादाबाद शहर का ऐसा अकेला पार्क है जिसमें इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज उत्तर प्रदेश दिवस और बालिका दिवस, इन दोनों अवसर पर बालिकाओं के लिए और बच्चों के लिए आज श्रीमती वीना अग्रवाल जी का एक सपना था। 15 अगस्त 2013 को कंपनी बाग को टेक ओवर किया गया और उसका आधा भाग पहले उसका निर्मित हो गया। इसी बीच में वीना अग्रवाल जी का निधन हो गया तो 3,07,00,000 रुपए की लागत से इसमें सारे झूले, 4 फव्वारे और ओपन वे वगैरह लगाएंगे और सामने की तरफ एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का एक वो बनाने जा रहे हैं ताकि लोग कोई भी आए वो मुरादाबाद को जाने, मुरादाबाद का इतिहास जाने। तो ऐसा वहाँ पर पीछे की तरफ लाइट एंड साउंड का वो बनाने जा रहे हैं। क्या स्थिति थी पहले? यहाँ पर सर्कस लगते थे और सब आयोजन होते थे, उस कारण से ये पार्क क्या ये जमीन बिल्कुल पूरी खराब कर दी गई। अच्छा, अब ये पार्क जो बनेगा फ्री होगा या इसके चार्जेस होंगे? कुछ तय करेंगे नगर निगम कार्यकारिणी, इसको तय करेगी तो इसकी मेंटेनेंस कैसे करेगी। शहर से मुरादाबाद में इस पार्क का आज लोकार्पण हुआ है। पार्क इको फ्रेंडली पार्क है और शहर के मध्य में स्थित मुरादाबाद महानगर की जो रचना है, इस प्रकार की भौगोलिक रचना है, रचना में इस पार्क का बहुत महत्व है और शहर की बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है। पुराना शहर और घनी आबादी होने के कारण आज एक बड़ी आबादी को घूमने का और सुबह टहलने का, व्यायाम करने का एक स्थान उपलब्ध हुआ है। मैं नगर निगम के सभी सम्मानित अधिकारियों का, मेयर साहब का इसका अभिनंदन करता हूं और शहर को साफ सुथरा बनाने में, स्वच्छ बनाने में नागरिकों की आवश्यकता अनुसार, भावना के अनुसार शहर के विकास में भारत सरकार और राज्य सरकार संकल्पित है और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में भी मुरादाबाद शहर का चयन हुआ है। तो आने वाले समय में इस शहर को, इस महानगर को स्मार्ट सिटी के रूप में, स्मार्ट व्यवस्थाओं के रूप में हमें सृजित करना है और मुरादाबाद को एक आदर्श शहर बनाना है। मैं आज के कार्यक्रम के रूप में नगर आयुक्त जी का, महापौर जी का और सबका अभिनंदन करता हूं।